सो हे गाइस, आज मैं हेलो हाय ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मन तो काफ़ी मेरा दुखी है। जब से मालती के साथ ऐसा हुआ है, मेरे दिमाग से वो जा ही नहीं रही है और वे वीडियो देख के तो मन काफ़ी विचलित हो गया। मतलब एक हंसते खेलते इंसान के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, हम लोग कभी नहीं सोचे थे, सोचते भी कैसे। हम लोग को बस ये लगता था कि ये कुछ नहीं, एक साथ हो जाएंगे, मगर उसका दरिंदा पति कहाँ है, ना उसकी एक आँख से आंसू निकला, ना अपने उसके बच्चे के साथ भी नहीं दिख रहा है। कल तक परसों वो वीडियो डाला था कि मैं युवराज के साथ हूँ, खुश हूँ, और परसों ही बीबी को लाता है, बीबी के साथ ऐसा कुछ कर देगा। किसी को अंदेशा नहीं था, अगर होता तो कोई भी नहीं बोलता कि मालती तुम ससुराल जाओ। वो इतना गिरा इंसान है कि एक दिन में शादी करवाता है अपनी वाइफ का, बदनाम करके उसको, मतलब वो इतना बदनाम कर दिया। और हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये नॉर्मल सी बात है, हमें किसी की भावनाओं को समझना चाहिए सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ ना कुछ मालती सबको सबक दे के गई है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसको मेंटली तौर पे हमको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए उसके ऊपर वीडियो बना के। और बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर बहुत ज़्यादा कोई परेशान है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए थंबनेल गलत मत लगाइए कि वो मर ऐसा कुछ हो गया उसके साथ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमारी कही हुई बातें कभी कभी सच हो जाती हैं। और वो जो जो ये पहले से किए होंगे कि मालती के साथ ऐसा हो गया है, जो अब हुआ मालती के साथ, वो कहीं ना कहीं चीज़ उन लोग को खटक रही होगी कि हम लोग बहुत गलत किए, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, मालती के साथ जो हुआ अब तो बहुत गलत हुआ। अगर आप लोग मालती का अंतिम दर्शन करना चाहते तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, और उनके पापा का, क्योंकि उनके पापा बहुत आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। मालती ने गलत किया, उसको अपने पापा के साथ रहना चाहिए था, जो भी था अपने पापा का प्रॉब्लम दूर करना चाहिए था, मगर ये जो मीडिया वाले उसको शायद इतना तंग कर दिए थे कि वो भाग के अपने मायके से अपने बहन किधर चली गई, जहाँ जाके उसको थोड़ा शांति मिला था, मगर वहाँ भी सब लोग पहुँच पहुँच उसको परेशान किए थे। काश शायद अगर सब लोग उसको इतना नहीं मीडिया वाले परेशान किए होते, कोई उसको इतना नहीं जा के परेशान किया होता, और शायद वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती, अपने बच्चे के बारे में सोचती, क्योंकि सब लोग उसको फ्री छोड़े होते तो उसको बस अपना बच्चा और अपना जो वीडियो अपने हिसाब से बना रही थी वो दिखता, मगर शायद वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसने एक कदम उठाया। क्योंकि वो एकदम, मतलब वो सोचती नहीं थी वो क्या करती है क्या नहीं करती थी, वो उसके वजह से इतना वो विष्णु पॉपुलर हुआ और इतना नाम कमाया और उसी के साथ ऐसा कर दिया। कहीं ना कहीं पूरा जिम्मेदारी विष्णु की ही ऊपर आएगी ये जो कुछ हुआ है, मगर उस दरिंदे को आप लोग छोड़िएगा नहीं प्लीज़, क्योंकि बहुत गलत हुआ। जितना भी बोला जाए शब्द कम है। तो चलिए दोस्तों, ये नहीं बोलूँगी, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दोस्तों अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।